गाइस, नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम अपने चैनल पर बात करने वाले हैं फेस शेविंग की। एंड फेस शेविंग के लिए हमें चाहिए ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें। सबसे पहले मैंने लिया ये एलोवेरा जेल, दूसरा है ये फेस रेजर जो कि मैंने मिनीसो से ऑर्डर किया था एंड इट वाज फॉर 120 रुपीज़। और मुझे दो रेजर्स मिले थे एंड ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल भी है एंड बहुत ही लॉन्ग टर्म में इसका यूज़ भी है। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपना फेस जो है कैसे शेव करती हूँ, क्या प्रोसेस होता है, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, मैंने अपने फेस पे एलोवेरा जेल को बहुत ही इवन तरीके से अप्लाई कर लिया है। अब जो है मैं रेज़र की हेल्प से अपने फेस को शेव करूँगी। मैंने अपने राइट चिन की स्किन को थोड़ा सा एलिवेट किया है। उसके बाद जो है मैं रेज़र को एक टिल्टेड एंगल में अपने फेस पर प्लेस करने के बाद इसको मैं डाउनवर्ड मोशन में बहुत ही स्लोली जो है वो मूव कर रही हूँ। आपको भी इसी तरीके से डाउनवर्ड मोशन में जो है इसको जो है चलाना है अपने फेस पे। एंड आप ये ध्यान रखिए कि आपको जो है रेज़र पर बहुत ही कम प्रेशर देना है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आपको ये बात ध्यान रखनी होगी गाइस कि आप सबसे पहले पैच टेस्ट कर लो। आप अपने फेस का एक छोटा सा एरिया पे पहले आप ये रेज़र यूज़ करके देखो। अगर आपको कोई सेंसिटिविटी का इशू नहीं होता है तो ही आप कंटिन्यू करो। एंड इन केस आपकी स्किन नॉर्मल है, कॉम्बिनेशन है, ड्राई है, तो आप जो है ये प्रोसेस आराम से कर सकते हो। एंड गाइस, आप ये ध्यान रखो कि जब आप अपने फेस को शेव कर रहे हो तो आप कोई या तो एलोवेरा जेल या तो कोई जेंटल क्लेंजर अपने फेस पे अप्लाई कर लो, जिससे कि रेज़र की जो मूवमेंट है वो स्मूथ हो जाए एंड आपका फेस ज़्यादा ड्राई आउट भी ना हो। गाइस, जब हम अपने फेस को शेव करते हैं तो ये हमें हमारे अनवांटेड हेयर से तो छुटकारा दिलाता ही है। उसके साथ साथ जो है फेस शेव करने से क्या होता है कि हमारे फेस पे जो भी डेड स्किन का लेयर होता है वो भी बहुत इजीली और इफ़ेक्टिवली रिमूव हो जाता है। ओके गाइस, तो जो फेस शेविंग का ये आइडिया है ये बहुत ही अमेजिंग है। इसमें जो है मैंने कई लोगों को ये कहते सुना है कि फेस शेविंग करने से हमारे हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है गाइस, बट ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं पिछले एक साल से ये ट्राई कर रही हूँ और मुझे काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स मिले हैं। मुझे ऐसा कुछ भी अभी तक फील नहीं हुआ है मेरे फेस पे एंड मैं इसको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कभी भी कर सकती हूँ। तो गाइस, फेस शेव करना एक बहुत ही सेफ और ईजी तरीका है जिसको आप आराम से कर सकते हो। आप देख सकते हो कि मैं अपनी स्किन को स्ट्रेच करके स्लोली पार्ट्स में अपने हेयर फेस हेयर्स को कैसे रिमूव कर पा रही हूँ एंड मुझे कोई इशू नहीं हो रहा है गाइज। ये बहुत ही ईजी प्रोसेस है। सो गाइज, देखा आपने कैसे मैंने इस ट्वीज़र की हेल्प से इजीली अपने फेस को शेव कर लिया। आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाली हूँ। सबसे पहला टिप ये है कि जब भी आप अपने फेस को शेव करें तो आप ये ध्यान रखिए कि आप अपने फेस पे एलोवेरा जेल अप्लाई कर लें अगर आपकी स्किन ड्राई है। एंड इन केस आपकी स्किन ऑयली है तो आप अपने फेस पे कोई भी माइल्ड क्लेंजर यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि ट्वीज़र का जो मूवमेंट है वो बहुत ईजी होगा एंड कट्स आने के चांसेस भी नहीं होंगे। एंड द सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज़, जब भी आप ट्वीज़र को अपने फेस पे बेस करें तो आप अपने स्किन को थोड़ा सा स्ट्रेच करिए एंड इसको आप स्लैंट एंगल पे, लाइक इंक्लाइंड एंगल पे आप इसको ऐसे बेस करके एंड देन यू कैन स्लाइड इट टूवर्ड्स डाउनवर्ड्स। एंड इन केस ऑफ योर फोरहेड आप इसको ऐसे स्ट्रेच करके डाउनवर्ड मूवमेंट्स करिए एंड आप अपने फिंगर्स पे बहुत ही कम फोर्स अप्लाई करिए, जिससे कि ना ही कोई डीप कट्स हो, ना ही आपकी स्किन पे कोई रेडनेस या बम्स है। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे फेस पे ना ही कोई बम्स है, ना ही कोई रेडनेस है, क्योंकि मैंने ये सारे प्रिकॉशंस लिए हैं। एंड शेविंग इज़ अ वेरी सेफ ऑप्शन एंड इट्स वेरी वेरी ईजी ऑल्सो। तो आप इसको घर पर ट्राई कर सकते हैं थोड़े से प्रिकॉशंस के साथ एंड इससे बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। आपका जो मेकअप है वो बहुत ही फ्लॉलेसली अप्लाई होगा। एंड दूसरा, अगर आप अपने स्किन में बहुत सारे एक्टिव्स यूज़ करते हो, टोनर्स यूज़ करते हो, मॉइस्चराइजर्स यूज़ करते हो, तो आपकी स्किन में उसका मैक्सिमम बेनिफिट होगा। ओके गाइज, तो आप ये शेविंग ज़रूर अपने घर पर ट्राई कीजिए एंड मुझसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।